साल 2024 आधे से ज़्यादा साल बॉक्स ऑफिस के लिए ठीक ठाक रहा। कल की 2898 एडी, 3-2, गोट जैसी फिल्मों ने कमाल कर दिया। इन फिल्मों ने 700-800 के करीब कमाई करके खूब पैसे छापे। अब साल की आखिरी तिमाही में कई बड़े बजट की पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं। मेकर्स भले ही इन क्लासेस को लेकर चिंता में हों, मगर फिल्मों के टकराव से दो लोगों का तगड़ा फायदा होने वाला है। एक ऑडियंस का, जिन्हें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, दूसरा बॉक्स ऑफिस का। फिल्म कोई भी चले, बॉक्स ऑफिस की हजार के करोड़ की कमाई तो तय है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। koimoi.com की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस साल के बचे हुए महीने में बॉक्स ऑफिस की करीब करीब 3050 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं जो आने वाले महीनों में रिलीज होने वाली हैं। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से इसलिए उम्मीदें हैं क्योंकि इस फिल्म का पहला पार्ट खूब पसंद किया गया था। साल 2021 में आई और सुकुमार के डायरेक्शन में बने इस फिल्म के डायलॉग्स और गाने जनता की जुबान पर चढ़ गए थे। फहद फासिल और अल्लू अर्जुन की लड़ाई इस पार्ट में और भी आगे जाने वाली है। मेकर्स ने दावा किया है कि इस पार्ट में पिछले वाले से ज़्यादा ड्रामा और एक्शन होगा। अब देखना है कि जनता इसे कितना पसंद करती है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने कोरोना के बाद बॉक्स ऑफिस के सूखे को खत्म किया था। 2022 में आई इस पिक्चर ने उस वक्त वर्ल्ड वाइड 265 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इसके तीसरे पार्ट से भी जनता को बहुत उम्मीदें हैं। ये पार्ट इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इसमें विद्या बालन भी दिखाई देंगी। लोग प्रियदर्शन की बनाई भूल भुलैया वाला एक्सपीरियंस दोबारा पाने के लिए ये फिल्म देखने जा सकते हैं। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम अगेन है, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। रोहित की फिल्मों की हाईलाइट ही एक्शन सीन्स होते हैं। उनकी गाड़ियों को उड़ाने का अंदाज जनता को भा जाता है। इस फिल्म से भी रोहित को भर भर की उम्मीदें हैं। इस बार एक्शन का बार एक लेवल और ऊपर जाने की संभावना है। फिल्म की कास्टिंग भी जनता को अपनी तरफ खींचेगी, ये भी तय है। सूर्या की फिल्म कंगुआ का भी भयंकर बज है। इस फिल्म में बॉबी देओल विलन बने हैं। एनिमल के बाद उनकी फॉलोइंग और तगड़ी हो चुकी है। स्पिरिट ड्रामा एक्शन फिल्म को शिवा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें गजब के विजुअल्स का इस्तेमाल हुआ है। सूर्या का लुक भी लोगों को थिएटर्स खींच लाने के लिए संभावना रखता है। जूनियर एनटीआर की ये फिल्म आरआरआर के बाद उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है, जिसके एक्शन लोगों को पसंद आ रहे हैं। फिल्म में जानवी कपूर और सैफ अली खान भी हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग तो तगड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म पहले ही दिन 80 से 100 करोड़ तक की तगड़ी ओपनिंग ले सकती है। पिक्चर के शुरुआती रुझान भी सही आए हैं, इसलिए बहुत संभव है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी पिक्चर को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इन सभी फिल्मों की कमाई जोड़ दें तो बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 3050 करोड़ रुपए आने वाले हैं। हालांकि कमाई के इन आंकड़ों का सिर्फ अंदाजा भर लगाया गया है। अभी सभी फिल्मों के रिलीज होने और इन पर जनता का रिएक्शन मिलने का इंतजार है। फिर पता चलेगा कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई करेगी। वैसे आप इनमें से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये लिस्ट आपके लिए बनाई थी हमारी साथी मेघना ने। सिनेमा से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे ललन टॉप सिनेमा।